चाणक्य IAS Academy में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पे। 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 121 देशों के मूल्यांकन में भारत 107वें स्थान पर है। 29.1 के समग्र स्कोर के साथ भारत में भूख के स्तर को गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत GHI 2021 में 116 देशों में से 101वें स्थान पर था और 2020 में मूल्यांकन किए गए 107 देशों में से 94वें स्थान पर था। यानी कि वर्तमान समय में पहले के कंपैरिजन में भारत की स्थिति खराब हुई है। GHI के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण बहुत अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3% है, जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे अधिक है। वैश्विक भूख सूचकांक के जरिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भूख पर नज़र रखी जाती है और उसकी गणना की जाती है। अब हम भारत के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या कहा गया है। 29.1 अंकों के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। भारत 2021 में 116 देशों में 101वें नंबर पर था, जबकि 2020 में 94th रैंक पे था। भारत के लिए अपने स्रोतों के रूप में 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन खाद्य सुरक्षा संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इन दो संकेतकों के आधार पर भारत का जो है एनालिसिस किया गया है। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित के साथ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से हैं। यानी कि ये तीन देश सबसे खराब प्रदर्शन वाले देशों में से हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 2030 तक सतत विकास लक्ष्य का, शून्य भूख का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भी बाधा हासिल होगी। भारत में अल्प पोषण की व्यापकता 2018-2020 में 14.6% से बढ़कर 2019-2021 में 16.3 हो गई है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के कुल 82.8 करोड़ लोगों में से भारत में 22.43 करोड़ की आबादी अल्प पोषित है। 5 साल की आयु तक के बच्चों में मृत्यु दर के सबसे बड़े संकेतक चाइल्ड वेस्टिंग की स्थिति भी बदतर हुई है। 2012 से 16 में 15.1% से बढ़कर 2017 से 21 में यह 19.3% हो गई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बच्चों में नाटापन की दर्द यानी कि चाइल्ड स्टंटिंग रेट 35-38% के बीच है और क्षेत्र में अफगानिस्तान में यह दर सबसे अधिक है। इंडेक्स के आधार पर अन्य देशों की स्थिति की बात करें तो इंडेक्स जारी करने वाले संगठन के अनुसार श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 नंबर पर है। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में 109वें नंबर पर है। इस इंडेक्स में सूडान, इथोपिया, रवांडा, नाइजीरिया, केन्या, गामेबिया, नामीबिया, कंबोडिया, म्यांमार, घाना, इराक, वियतनाम, लेबनान, गुयाना, यूक्रेन और जमैका जैसे देश भी भारत से कहीं ऊपर हैं। अब हम बात करेंगे चाइल्ड स्टंटिंग रेट के बारे में। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक भूख के स्तर वाले क्षेत्र दक्षिण एशिया में बच्चों में नाटेपन की दर सबसे अधिक है। इसमें कहा गया है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3% है, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक है और भारत की बड़ी आबादी के कारण यह इस क्षेत्र के औसत को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक निजी सहायता संगठन वेल्थ्यूगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित एक सहकर्मी की समीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट है। GHI वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण है। GHI का उद्देश्य भूख से निपटने में दुनिया भर के देशों की प्रगति और असफलताओं का आंकलन करना है। GHI स्कोर 4 संकेतकों पर आधारित होता है।
ये चार संकेतक हैं अल्पपोषण, बच्चों में कृशता अथवा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम है जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा है बच्चों का वृद्धि रोध अथवा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुपात में कम है जो दीर्घकालीन कुपोषण को दर्शाता है, एवं चौथा बाल मृत्यु दर। इन चार आधारों पर ये जो है आंकड़े दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।